यूट्यूब देखने वाले आप सभी छात्रों को मेरा आंतरिक जय गुरु। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं NCERT के बुक का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखो हमसे क्या डिमांड किया है, तो हमसे बोर्ड पर देखो ये पूछ रहा है कि हम आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिया है, इसको ये जानना चाहता है कि टेबलर फॉर्म में आप जब इसको परिवर्तित चेंज करेंगे तो इसका क्या आंसर आ रहा है, चेंज करके बतलाओ। देखो हम सोल्यूशन समझाते जा रहे हैं, तो सोल्यूशन इसका देखो, तो पहला क्वेश्चन देखो ये लिख रहा है सेट का नाम, जिसे नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, सवाल के हिसाब से अपना है। तो सेट का नाम दिया ए, तो इसका एलिमेंट लिखा एक्स, सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स लिखा है। तो ऑड माने क्या हो गया, तो दैट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसमें देखो सेट का पहला नाम दिए ए, तो ऑड नेचुरल नंबर्स का भाई इंड नहीं होता है, तो ये लिखे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब चूंकि इसका अंत ही नहीं है तो डॉट डॉट करके तुम छोड़ सकते हो। दूसरा देखो इस सेट का नाम दिया बी, तो ई का रहा है एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब हो गया ये पूर्णांक है। अब कैसा पूर्णांक है, तो जो कहता है व्हिच इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अब नंबर लाइन बना के इसको समझो, तो यहाँ से जब नंबर लाइन बनाए तो ई आ गया 0, इधर दिए 1, 2, 3, 4, 5 बंद कर दो, इधर दिए -1, -2 छोड़ो, ये तो -∞ तक जाएगा, इधर +∞ तक जाएगा। तो अब हमारा जो ये नंबर है ये है -1/2, तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो 0 और -1 के मिडिल में, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा -1/2, और ये लिख रहा है 9/2, मतलब हो गया 4.5, तब तो यहाँ पर आ गया 9/2। तो अब यहाँ से यहाँ के बीच में गौर करके देखो जो कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, तो वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4, इतना ही इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है -1/2 और 1/2 के बीच में। तो इसका आंसर लिख लो 0, 1, 2, 3, 4 बस, और इसको कुलट कर दो, हरदम मिडिल ब्रैकेट में ही बंद करना है। तीसरा क्या दे रहा है, तो ये लिख रहा है एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब स्क्वायर करने पर वैसा वैसा आप इंटीग्रल वैल्यू लिखिए जिसका स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9 तक आए। तो अरे भाई -3 का जब स्क्वायर करोगे तब भी ये 9 आ जाएगा, अब इससे इधर अगर -4 लेते हैं तो 16 आ जा रहा है, जो कि 9 से छोटा संभव नहीं है, 9 तो चलेगा नहीं, इक्वल टू लिख रहा है। तो अब -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 बस इतना ही का स्क्वायर करोगे तो 9 के इक्वल होगा या लेस देन 9 पॉसिबल है। ना हम इसके पीछे जा सकते हैं ना इसके आगे जा सकते हैं, आगे जाओगे तो 4 है, तो 16 इससे बिलो थोड़े आ रहा है। चौथा में देखो क्या हमसे पूछ रहा है, इसमें कहा सेट का नाम दिया दी, कहा एक्स, सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, लिखा LOYAL,
तो अब इसमें समझाए कि जितना सेट का नाम दे दो डी, तो जो जो लेटर यूज्ड हुआ खाली डबल अगर रहेगा तो सिंगल लिखना, और नहीं तो सब लिख लो एल ओ बाय ए और एल सब आ जाएगा। पांचवा देखो, ये क्या हमसे जानना चाह रहा है, इस सेट का नाम दिया एफ, कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, तो कहा के से पहले जितना कंसोनेंट है सबको आप बतलाइए कौन कौन सा है। तो अब वोवेल में कौन कौन आता है, तो पांचे गो तो है ए ई आई ओ और यू। अब इससे ये पांच गो को छोड़ करके के से पहले देखो जो जो वोवेल आ जाए उसका परिचय कर दो, तो सेट का नाम क्या दिए हैं, तो बीच से एगो छूट गया है, रुको पहले इस पर चर्चा करते हैं। ई पहले लिख लो, तो ई में दे रहा है पांचवा में एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो कहता है जो साल का में 12 महीना होता है ना, तो 12 महीना में कहा वैसा वैसा मंथ आप बतलाइए जिसमें 31 दिन नहीं होता है, नॉट हैविंग 31 डेज। तो अब इस कौन कौन सा महीना ऐसा है जिसमें तुमको 31 दिन नहीं होता है, अरे जनवरी से शुरू करेंगे तो उसमें 31 दिन रहता है, तो ये तो उसका परित्याग कर दो। तब कौन मंथ बचेगा, तो फरवरी जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो लिख दो एफ ई बी, फरवरी में भाई 31 दिन नहीं है। मार्च तो 31 दिन का होता है, तो अप्रैल ए पी आर आई एल, मैंने वही सब हम मंथ लिख देते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है, 31 दिन वाला छोड़ देना। जून जे यू एन ई, जून में भी 30 दिन होता है। जुलाई सितंबर एस ई पी सी ई एम बी ई आर और नवंबर एन ओ वी ई एम बी ई आर नवंबर, बस इतना ही मंथ है जिसमें 30 दिन होता है, या फरवरी है तो 28 या 29 दिन होता है। अब छठा देख लो, तो इसमें हम कहे कि इंग्लिश अल्फाबेट वाला लिखने के लिए तो ई वोवेल सब को छोड़ दो, तो एफ तो ए तो वोवेले धरा गया, तो बी सी डी ई हट गया कहे कि वोवेल हो गए, एफ जी एच आई हट जाएगा, जे और के पहले कहता प्रीसीड्स के, तो के से पहले थी तो नहीं है। सातवां में देखो हमसे क्या जानना चाह रहा है, तो ई कह रहा है सेट का नाम दिया एच, नहीं जी ए वाला एफ के बाद जी दो, तो जी में दे रहा एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ सिक्स, तो कहा एक्स क्या होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना चाहिए जो क्या करे तो सिक्स को डिवाइड कर दे। तो अब सबसे स्मॉल प्राइम नंबर तुम्हारा कौन है, तो ये है टू, तो टू से डिविजिबल है ना सिक्स, तो हाँ तो ये लिख लो जो टू से डिविजिबल हो गया सिक्स। थ्री से तो हाँ ये भी तुम्हारा प्राइम नंबर है थ्री। फाइव सिक्स अब ये सबसे किसी से भी होने वाला नहीं है, बंद कर दो, दू एगो एलिमेंट आ रहा है। आठ में तुमसे क्या मांग रहा है, सात नागर एक दो तीन चार पाँच छ सात पाँच दो बार लिखा गया है, छ ई है सात ई है तुम्हारा आठ और ई नाइन वगैरह। तो अब देखो सेगुन में जी क्या लिखा,
x such that x is a अच्छा ये तो समझा दिए प्राइम नंबर वाला x such that x is an odd natural number less than 10. अब देखो 10 से छोटा odd natural number मांग रहा है तब तो सिंपल हो गया h ये हो गया 1, 3, 5, 7 और 9 बस इतना ही odd natural numbers है जो less than 10 है 10 से छोटा है 9 में देखो हमसे क्या मांग किया है कि कह रहा है सेट का नाम कुछ भी दिया हुआ है मान लिया i x such that x is a natural number and divisor of 6 तो natural number तो natural number तो 1 से शुरू हो गया तो 1 से तो सब नंबर डिविजिबल है तो 6 का ही नहीं होगा तो 1, 2, 3 अब दूसरा और कोई नंबर है जिससे डिविजिबल है 4 से नहीं होगा 5 से नहीं होगा 6 इट सेल्फ इसको डिवाइड कर देगा तो 6 दे दो बस अगर 10 में देखना चाहो तो ई इसका क्वेश्चन नंबर 6 समझा रहे थे तो अब एक लाइन में लिख दिए हैं वीडियो बनाने में परेशानी कुछ होता है लिखने लगते हैं बहुत टाइम लग जाता है आपका तो इसमें दे रहा है एक्स such that x is a letter of the word mathematics mathematics में कल समझाए हैं पिछले क्लास में भी ये इसमें एक लेटर को एक ही बार यूज करना तो इसका कुछ नाम दे दो जी है कि आई के जी दे देते हैं मैथमेटिक्स एम ए टी एच ई एम फिर आगे तो दोबारा नहीं लिखना मैथमेटिक्स एम ए टी एच ई एम ए तो दोनों लिख ले टी आई तो ये लिख ले है आई रह गया सी और एस बस इतना ही अब देखो फिर अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है इसका अगला एक्सरसाइज है इन तो इसमें आता है एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट पेयर सेट फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट अब ये डिफिनेशन अगले वीडियो में समझा देंगे तत्काल के लिए इतना ही देख के रेडी रखो तो अगला वीडियो बताएंगे बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे तो दूसरा एक्सरसाइज समझा देंगे आज भर के लिए इतना ही समझिए इतना ही काफ़ी है थोड़ा थोड़ा करके ये हम वीडियो बना रहे हैं इसको समझते जाओ ना सिंपली समझ में आ जाएगा थैंक यू